सुपरस्टार्स का रिटर्न विंस के एरा में बिल्कुल मुश्किल था। और रिटर्न ऐसा भी नहीं कि सिर्फ करवाने के लिए करवाया, ट्रिपल एच ने उन सुपरस्टार का रिटर्न करने के बाद उन सुपरस्टार को अच्छा बुक भी किया है। तो चलो देखते हो कौन से सुपरस्टार से जिन्हें ट्रिपल एच ने WWE में रीहायर करके उन सुपरस्टार को अगेन एक WWE रन दिया है। नंबर 4 सुपरस्टार एंड्राडे। एंड्राडे का फर्स्ट WWE मेन रोस्टर डेब्यू वैसे कुछ मेमोरेबल नहीं था। हाँ, NXT में उन्होंने NXT चैंपियनशिप विन की थी, बट मेन रोस्टर में आते आते एंड्राडे एक जॉबर बनते जा रहे थे। उसके पीछे कुछ बड़े रीजन, एंड्राडे का WWE में आने के बाद मास्क और अटायर चेंज हो गया था, और एंड्राडे एक मेक्सिकन रेसलर थे जो लुचा लिब्रा रेसलिंग स्टाइल में ही रेसल करते थे, बट WWE में आने के बाद उन्हें अमेरिकन रेसलिंग स्टाइल में रेसल करना पड़ रहा था, जो उनके लिए बड़ा इशू बन गया था। फिर भी एंड्राडे ने NXT चैंपियनशिप के बाद मेन रोस्टर में US चैंपियनशिप विन की थी, बट वो चैंपियनशिप रन भी कुछ उनका खास नहीं था। इसीलिए एंड्राडे खुद को टॉप स्टार एस्टैब्लिश करने के लिए WWE लेफ्ट करके AEW चले गए थे, लेकिन एंड्राडे AEW में भी कुछ खास नहीं कर पाए। और एक साल के बाद ही एंड्राडे सरप्राइजिंगली ईयर 2024 के रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर दे। नंबर 3 सुपरस्टार नाया जैक्स। वैसे नाया जैक्स को WWE ने ईयर 2021 में रिलीज कर दिया था, बिकॉज नाया जैक्स एक पावर हाउस तो थी बट उनके इन रिंग स्किल अनसेफ थे। बट रॉक के TKO ग्रुप में इंटर करने के बाद ट्रिपल एच अगेन एक बार नाया जैक्स का रिटर्न करवाते हैं, एंड सिर्फ रिटर्न ही नहीं करवाते बल्कि एक डोमिनेटिंग WWE वुमेन्स चैंपियन स्मैकडाउन डिवीजन को देते हैं। वैसे करंटली नाया जैक्स एक हील चैंपियन है, बट चैंपियनशिप ड्रॉप करते ही नाया जैक्स फेस सुपरस्टार बन जाएगी, बिकॉज नाया जैक्स की फ्रेंड टिफनी स्टैटस उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नाया जैक्स पे कैश इन करने के कई बार इरादे दिखा चुकी है। और टिफनी अगर उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नाया पे कैश इन करके उन्हें डिथ्रोन करती है तो स्टोरी लाइन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, और फैंस की सिंपथी के चलते नाया जैक्स का बेबी फेस टर्न भी हो जाएगा। नंबर 2 सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड। लाइक नाया जैक्स, WWE ने ब्रॉन्सन रीड को भी वेट के चलते ईयर 2021 में कंपनी से रिलीज कर दिया था। जब ब्रॉन्सन रीड ने अपना WWE रिटर्न किया तब एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर ब्रॉन्सन रीड रॉ या स्मैकडाउन के ब्रांड पे फिट कैसे होंगे, लेकिन थैंक गॉड ब्रॉन्सन रीड रॉ को करंटली डोमिनेट कर रहे विद हिज सुनामी। वैसे ब्रॉन्सन रीड ने भी खुद को रॉ ब्रांड पे एस्टैब्लिश करने के लिए 7 months स्ट्रगल किया था, एंड ये प्रूव कर दिए थे कि इस एरा में भी एक मॉन्स्टर है जो WWE के रोस्टर को डोमिनेट कर सकता है। करंटली ब्रॉन्सन रीड किसी भी चैंपियनशिप सीन्स में ना हो, बट इसमें कोई भी डाउट नहीं कि ब्रॉन्सन रीड जल्द ही उनकी सेथ रॉलिंस के साथ चल रही राइवलरी को खत्म करके गंतर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कन्फ्रंट करेंगे, बिकॉज ब्रॉन्सन रेड एक चैंपियनशिप मटेरियल सुपरस्टार तो है ही, बट वो मिडकार्ड डिवीजन वाली नहीं बल्कि टॉप चैंपियनशिप वाली। एंड नंबर 1 सुपरस्टार CM Punk। लास्ट ईयर के अक्टूबर तक CM Punk के WWE रिटर्न को लेके कोई भी पॉजिटिव बात शुरू नहीं थी। हाँ, रूमर शुरू थे कि CM Punk WWE में रिटर्न कर सकते हैं, बट रूमर्स तो रूमर्स रहते जब तक वो रियल में ना हो। बट लास्ट ईयर के नवंबर में CM Punk ने सर्वाइवर सीरीज के लास्ट मिनट में अपना शॉकिंग रिटर्न किया, एंड फैंस को शॉक तो किया ही बल्कि साथ ही सिग्निफिकेंट TV रेटिंग भी ड्रॉ की। वैसे CM Punk की ड्रू मैकएंटायर के साथ रही फ्यूड ईयर 2024 की बेस्ट फ्यूड थी, जिसने काफी अच्छे नंबर्स भी गेन किए। और भले ही CM Punk की ड्रू मैकएंटायर के साथ फ्यूड खत्म हो चुकी हो, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ उनकी फ्यूड ऑन ऑफ होती ही रहती है, जो फ्यूड हमें WrestleMania 41 में पीक पे दिखेगी। और हो सकता है कि WWE CM Punk को कंपनी का फ्यूचर फेस बनाने लाई हो, बिकॉज कोडी एज ए कंपनी फेस बिल्कुल सूट नहीं हो रहे, बिकॉज CM Punk एक इलिट दर्जे के माइक स्किल एंड रेसलिंग स्किल के साथ आते हैं, एंड उनकी बैक स्टेज एक अच्छी रेपुटेशन भी है जो एक लॉकर रूम लीडर की होनी चाहिए। एनीवे, आपको क्या लगता है फ्यूचर में और कौन से सुपरस्टार को ट्रिपल एच WWE में अगेन लेके आ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।